सो गाइस, फिर से आ गए हम एक नए इंटरेस्टिंग ऐप रिव्यू वीडियो के साथ। और आज हम फिर से रिव्यू करेंगे बैकग्राउंड ब्लर टेस्ट ओपन कैमरा ऐप के बारे में। दोस्तों, मैंने जो है एक वीडियो डाला था ओपन कैमरा बैकग्राउंड ब्लर टेस्ट के बारे में एक वीडियो, और इस पे हम टेस्ट करेंगे अपना बैकग्राउंड ब्लर। तो इसका जो ये पार्ट टू है, मैंने जो है एक वीडियो पहले से बना रखा है ओपन कैमरा बैकग्राउंड ब्लर के बारे में, और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत सारा जो है उसमें कमेंट किया है। कुछ कमेंट जो है उन्होंने कुछ सेटिंग्स को लेके उन्होंने अपना जो सजेशन है वो दिया है। तो आज हम फिर से जो है कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे ओपन कैमरा में, और देखेंगे कि क्या रियली हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होता है या नहीं, या फिर किस हद तक ब्लर होता है। तो सारा चीज देखेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फिलहाल जो है आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल जो है उसको स्टैंड पे सेट कर दिया है, और बैकग्राउंड यहाँ पर जो है मैं बैठ के अपना वीडियो शूट करता हूँ। माइक जो है मैंने यहाँ माइक का जो है फ़ोन आप वायर जो है देख सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और ये मेरा फ़ोन है ओप्पो F11 प्रो। अब यहाँ से जो है हम ओपन कैमरा ऐप जो है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओपन कैमरा ऐप, तो इसको हमने जो है ओपन कर लिया है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो सबसे पहले जो है काफ़ी सारे वीडियोस में जो दिखाया जाता है तो सेटिंग को लेकर जो है काफ़ी सारे बातें होती कि सेटिंग ये सेटिंग करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सेटिंग्स वगैरह जो है दिखा देता हूँ। तो ओपन कैमरा का ये देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सेटिंग में है हमको जाना है वीडियोज़ पर, जैसे कि वीडियो में मैंने देखा है काफ़ी सारे वीडियो में। अब यहाँ पर जो है वीडियो फॉर्मेट हम जो भी रख सकते हैं, मैंने MP4 रखा है, ठीक है। तो MP4 ये सेटिंग्स है, और वीडियो फ्रेम रेट ये आप मैं बहुत ज़्यादा रखा हूँ, मगर जो मैक्सिमम है शायद 30 या 60 जो है रख सकते हैं, ये फ्रेम रेट है। तो चलिए हम 60 रख लेते हैं, तो ये ऑफ ही रहेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसको जो है अल्टीमेट ही रखना है। स्टार्ट वीडियो फॉर मैक्स ड्यूरेशन, तो ये सारा उतना खास सेटिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो है, ऑडियो सोर्स है, तो ये सारा चीज़ है आप देख लीजिए, ठीक है। तो सेटिंग्स में बस इतने ही, इसमें कुछ खास और ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। कुछ चीज़ अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप जो है बता सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर हम जो है इसको फुल HD में ही रख रहे हैं। तो ये है सेटिंग्स। अब यहाँ से हम इसको बैक करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हम सेटिंग्स वगैरह, अगर किसी तरह से मैं कोई सेटिंग में गड़बड़ कर रहा हूँ तो आप जो है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल जो है हमने मेरा जो भी सेटिंग है मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से जो है हमको फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे कि वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि फोकस करना है, तो हम जो है फोकस रखेंगे माइक्रो में, तो कुछ इस तरह का होता है। तो फिलहाल जो है एक हाथ में मेरे कैमरा है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि चलिए फोकस करने की। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अब जो भी चीज़ है आपको डायरेक्ट वीडियो में नज़र आएगा, क्योंकि मेरे पास जो है एक्स्ट्रा स्टैंड नहीं है, तो इस वजह से जो है मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो डायरेक्ट जो है हम ओपन कैमरा में जो भी वीडियो बन रहा है वो हम देखेंगे। तो सो गाइस, ये जो है डिस्टेंस अभी आप देख लीजिए मेरा बैकग्राउंड कितना ब्लर आ रहा है। सॉरी, मैं माइक पकड़ लेता हूँ, बहुत चिल्ला। तो यहाँ आप देख लीजिए कि मेरा बैकग्राउंड कितना ब्लर आ रहा है, मेरा फेस पे या भी जो मेन चीज़ है जहाँ वो किस तरह से मतलब काम दे रहा है या नहीं आप देख लीजिए, ठीक है। तो कितना क्लोज रहूँगा मैं, हर क्लोज जो है ट्राई कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये डिस्टेंस ठीक है, नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बैक कैमरा है। तो भाई लोग, कुल मिला के जो भी मेरे से जितना भी मैं सेटिंग कर सकता था मैंने सब चीज़ ट्राई किया, और जो रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है यही है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बैकग्राउंड ब्लर तो हो रहा है, मगर मेरा भी जो फेस है फोकस
वो जो है सही से फोकस नहीं हो रहा है, तो आपको जो है एक परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ कि आपका जो फेस है या फिर जितना आप अपना जो बॉडी का लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन में लेना चाहते हैं, उस जगह जो है थोड़ा फोकस रहे और बैकग्राउंड जो है ब्लर रहे, तो यही है रिजल्ट। आप अगर ज़्यादा दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ब्लर हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा करीब आके भी वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो ज़्यादा मतलब सामने से भी रह के वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो एक लेवल है, एक लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से ही आप अपना जो है वीडियो बना सकते हैं। इसमें जो है आपका वीडियो क्वालिटी जो भी है आपके सामने नज़र आ रहा है कि वीडियो क्वालिटी कैसा है, बैकग्राउंड ब्लर कैसा है, तो ये सारा चीज़ जो है आपके सामने जो भी है रिजल्ट है वो नज़र आ रहा है। सो गाइस, ये था ओपन कैमरा ऐप का बैकग्राउंड ब्लर रिव्यू। हमने ट्राई किया कि अपना बैकग्राउंड जो है कितना जो है हम ब्लर कर सकते हैं, या फिर हमारा बैकग्राउंड ब्लर कैसे रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है हमने ट्राई किया और रिजल्ट आपके सामने में है। और ये जो है मेरा नॉर्मल जो वीडियो है, नॉर्मल बिना बैकग्राउंड ब्लर वाला नॉर्मल कैमरा जो है मेरा ओप्पो F11 प्रो में जो दिया है फ्रंट कैमरा, जो कि लगभग 16 मेगापिक्सल का है आई थिंक, तो उस पर शूट कर रहा हूँ मैं। तो क्वालिटी जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि उस पर क्वालिटी और इसका क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि कैसा आ रहा है। इसको जो है मैंने बिना किसी एडिट के डायरेक्ट मैंने जो है सिर्फ जो भी क्रूपिंग वगैरह है एक्स्ट्रा पार्ट कट करके जो है मैंने ऐड करके बनाया है, तो रिजल्ट आपके सामने में है। मैं ये नहीं कहता कि ओपन कैमरा जो है वो बढ़िया एप्लीकेशन नहीं है, बढ़िया ऐप नहीं है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो आपको ये ऐप कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।